हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि फोल्ड लिखा हुआ है और फोल्ड के बाद में फिर रिफ्ट और क्रेटर। क्रेटर का जो है डायग्राम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्रेटर माने गड्ढा। अगर क्रेटर हो जाए या गड्ढा हो जाए तो वहाँ पर लेक फॉर्मेशन हो जाता है, यानी लेक बन जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि किसी उल्कापिंड का टक्कर हो पृथ्वी पे, या कोई हेवनली स्पेस बॉडी का जो है वो कोलाइड हो पृथ्वी पर, तो क्रेटर क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेक जो फॉर्मेशन है वो तीन तरीके से होता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्रेटर गड्ढे द्वारा। नंबर टू जो है वो रिफ्ट, वो आप देख रहे हो इमेज में यहाँ पर जो है नीचे। रिफ्ट में क्या होता है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऊपर नीचे जो अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो हो जाती है, और रिफ्ट के क्रिएट होने से वहाँ पर लेक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर देखो आप फोल्ड। फोल्ड में क्या है, फोल्ड में किस तरीके से फोल्डिंग होती है जो अर्थ की ऊपर की जो सरफेस है, और फोल्ड के क्रिएट होने से लेक का फॉर्मेशन होता है। तो तीन ही तरीके होते हैं लेक के फॉर्मेशन के, फोल्ड और क्रेटर और रिफ्ट। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और लेक फॉर्मेशन से संबंधित पूरी यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।